क्षेत्र में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे राज्यसभा में और काम करने का मौका दिया है। और जो एनडीए के घटक दल हैं, वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हों, चाहे मुकेश सहनी जी हों या फिर जीतन राम मांझी जी हों, इन सभी लोगों ने नामांकन पत्र पर और अपने विधायकों का हस्ताक्षर कराकर मेरे मनोनयन करने का काम किया है, इसलिए उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बिहार के विपक्ष को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सर्वसम्मति से चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। और मित्रों, बिहार के अंदर ये सर्वसम्मति चुनाव जो संपन्न हुआ है, इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मित्रों, इसके पहले भी जब देश भर के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति का चेयरमैन बनने का जब ऑफर मेरे पास आया था, उसमें प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया था। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा, नहीं, आपको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, आपको ये पद ग्रहण करना चाहिए। तो नीतीश जी की प्रेरणा से मैं देशभर के वित्त मंत्रियों की जो इम्पावर्ड कमेटी थी, उसका मैं चेयरमैन बनने का और मैंने पद स्वीकार किया था। और मित्रों, मैं राज्यसभा में जा रहा हूँ, बिहार के मुद्दों को राज्यसभा में उठाता रहूँगा और बिहार से जुड़े जो भी मुद्दे अलग अलग मंत्रालयों में होंगे, तो वहाँ के संबंधित विभाग के मंत्री, अन्य अधिकारियों से मिलकर और बिहार के विकास में जो कुछ योगदान देना संभव होगा, मैं करूँगा। और मैं 15 साल तक मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं इतना ही कहूँगा कि बिहार में जो बदलाव आया है, उस बदलाव में गिलहरी का जैसे छोटा सा योगदान होता है, तो बिहार के इस बदलाव में गिलहरी के समान मेरा भी छोटा सा योगदान है। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पार्टी ने मुझे जो काम दिया, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में भी मैं रहा, विधान परिषद में भी रहा, डिप्टी सीएम, भागलपुर से सांसद, पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उन सारे दायित्वों का निर्वाह कर सकूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं राज्यसभा और बाकी जगह पर काम करूँगा।